नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करते हैं जा लाइफ स्टाइल में हम अपना यूजर वेरिफिकेशन किस तरीके से करवाते हैं, अपना KYC वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। और अगर अभी तक आपने जा लाइफ स्टाइल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज दिए हुए कमेंट बॉक्स में दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और अपना एक ज्वाइनिंग रेफर कोड लेने के लिए आप यहाँ पर कॉल करिए और जल्दी से ज्वाइन करिए, क्योंकि जा लाइफ स्टाइल से बढ़िया आपको अर्निंग का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपको फ्यूचर के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छी अर्निंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं एक घंटे के एड देखने के सिर्फ 240 रुपये पर डे के हिसाब से मिलते हैं, और साथ में मिलती है बहुत अच्छी अच्छी अर्निंग। अगर आपको इसका प्लान अभी तक पूरा नहीं पता है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए या आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ से आप जा लाइफ स्टाइल की पूरी पूरी जानकारी हासिल कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम बताते हैं जा लाइफ स्टाइल में हम अपना प्रोफाइल KYC कैसे अपडेट करते हैं और किस तरीके से हम अपने आप को यहाँ पर एक्टिव बनाते हैं और किस तरीके से कंपनी के 1000 यूरो के हम हकदार बनते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उसके लिए लेके चलता हूँ आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अब आपको मैंने यहाँ पे अपनी आईडी अपने लॉगिन कर रखी है, इसको हम एक्टिव करेंगे आज वाउचर की सुविधा से। तो वाउचर के उससे एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर जो देख रहे हैं अपनी आईडी, यहाँ पे लिख के आ रहा है पर्सनल वेरिफिकेशन और यहाँ पे आके लिख के आ रहा है वेरीफाई माई अकाउंट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करेंगे और उसके बाद इस तरीके कुछ इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ पे हम ऑप्शंस कई खुल के आ रहे हैं, इसको हल्का सा स्क्रॉल करके जो नीचे आपको यहाँ पे लिख के मिलेगा प्रोसीड टू पर्सनल वेरिफिकेशन, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा आर यू श्योर, तो यहाँ पे यस कर देंगे। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा एक नॉर्डिक वेरिफिकेशन पेज यहाँ पर जो है संस्था वहाँ का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारा यूज़र नेम और यहाँ और सब कुछ यहाँ पे आपको शो करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की ओर देखिए, आपको जब पेमेंट में कई ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र, वाउचर, कई तरह के यहाँ पे कार्ड आपको मिल जाते हैं। हम यहाँ पर वाउचर का यूज़ करने वाले हैं, तो हम वाउचर पर क्लिक करेंगे। और वाउचर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास अगर वाउचर है तो यहाँ पर आप अपना वाउचर कॉपी और वेस्ट के यहाँ पे पेश कर देंगे, और नहीं है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर से कॉन्टेक्ट करिए और अपना वाउचर मुझसे आप ले सकते हैं। ये सिर्फ आपको 1100 रुपये में मिलेगा। तो दोस्तों वाउचर हम प्रेस करने के बाद यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा कुछ इस तरीके की प्रोसेसिंग चलती है और यहाँ पर आपका जो वाउचर्स था वो लग गया है। अब यहाँ पे आपके 3 स्टेप में कुछ कुछ डिटेल मांगेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपसे नाम भरवाएगा, उसके बाद नीचे की ओर आप देख सकते हैं कंट्री यहाँ पे लिखा है, कंट्री के आपका लिखना चूज़ करना है। तो दोस्तों आपको बता दूँ नाम यहाँ पर आप वैसे ही लिखें जैसे कि नाम आपका पैन कार्ड पर यहाँ पर आपका लिखा हुआ हो, आप सेम वही नाम यहाँ पर भी आप लिखें। तो मैं यहाँ पे जल्दी से अपना नाम फिल कर देता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना नाम फिल कर दिया है, कंट्री यहाँ पे आपको चूज करके दिखा देता हूँ। हालांकि मेरा इंडिया यहाँ पे लिख के आ रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे अब आपको इंडिया सर्च करके दिखा देता हूँ, या आप जिस भी कंट्री के रहने वाले हैं आप वहाँ पे कंट्री अपना सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इंडिया, देखिए यहाँ पे दोस्तों इंडिया आ गया है, इंडिया सेलेक्ट कर लिया। आगे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये पर्सनल डिटेल में हमारा नाम और कंट्री पूछता है, तो यहाँ पे मैंने भर दिया। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करके जब आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमसे आईडी डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिमांड करेगा, हमें आईडी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लेना है। तो हम आईडी डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे आधार कार्ड ले रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको आईडी डॉक्यूमेंट्स के कुछ रूल्स बता रहा है किस तरीके से होना चाहिए, उसको आप बिल्कुल बारीकी के साथ देखिएगा, समझिएगा, तभी इसमें यहाँ पे अपना आईडी प्रूफ लाइएगा। देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इसके आपका आईडी प्रूफ बिल्कुल सीधा आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और इस तरीके से तिरछा रखा नहीं होना चाहिए। साथ में यहाँ पे आपको एक जो इसमें जो फ्रेम आपका ओपन होकर आता है उस फ्रेम में फिट होना चाहिए। ये होने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ रूल्स में आपको एक और दिखा रहा है, सीधा रखा होना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्लिक करेंगे,
उसके बाद यहाँ पे बता रहा है आपको फ़ोन वाला प्लेन फोटो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड उसकी प्लेन होनी चाहिए, कोई भी कलरफुल बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आपका यहाँ पर नेचुरल कलर लुक होना चाहिए, कलर होना चाहिए। तो बस इस तरीके से आपका ये हो गया। अब यहाँ पर हम आप अपना अगर आपके पास फ़ोन में मौजूद है तो आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली कैमरे से फ़ोटो क्लिक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कैमरे से नहीं गैलरी से लेके जा रहा हूँ, तो मैं गैलरी से यहाँ पे अपना आईडी प्रूफ जल्दी से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने दोस्तों अपना आईडी कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर लोड हो रहा है, मेरा आईडी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है। तो अपलोड यहाँ पे सक्सेस लिख के आ गया है, तो मेरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है सक्सेसफुली। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे नीचे प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे सेल्फी मांगेगा, आप सेल्फी भी ले सकते हैं, पर सेल्फी लेने से पहले भी यहाँ पे कुछ कंडीशंस होंगी किस तरीके को आपको सेल्फी लेनी है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। तो प्लस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेल्फी के रूल्स हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पर आपका फ़ोटो जो होना चाहिए सेंटर फेस होना चाहिए, सेंटर मतलब फेस जो है सेंटर में होना चाहिए और एकदम क्लियर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, शोल्डर्स भी होने चाहिए। और साथ में आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट रूल यहाँ पर दिखाएगा। और लाइट क्लियर होनी चाहिए, नेचुरल लाइट होनी चाहिए, शेडो नहीं होनी चाहिए फ़ोन में, और बैकग्राउंड में आपका एकदम नेचुरल होनी चाहिए और सेल्फी में कोई बैकग्राउंड में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। डू नॉट हाँ, आँखें क्लियर होनी चाहिए, आँखें आपने ऐसे मतलब बना के रखनी चाहिए। वहाँ पे कुछ तरीके से रूल्स यहाँ पे दिए हैं, आप देखिए कैप नहीं लगानी होनी चाहिए, टोपी नहीं लगाना चाहिए। तो ये रूल्स यहाँ पे देखते रहेंगे, उस तरह से आप उसको फॉलो करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको सेल्फी लेने के लिए आप सेल्फी भी ले सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जिस तरीके से अभी आईडी प्रूफ के लिए ऑप्शन आपको दिया गया था उसी तरीके से यहाँ पर आप सेल्फी के लिए भी दिया जाएगा। अगर आप सेल्फी लेना चाहते हैं तो सेल्फी ले सकते हैं, सॉरी नहीं तो आप गैलरी से जा करके अपना फ़ोटो पिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ गैलरी से अपना फ़ोटो पिक कर लेता हूँ जल्दी से। मैंने यहाँ गैलरी से फ़ोटो पिक कर लिया है, फ़ोटो मेरा अपलोड हो रहा है। और दोस्तों तो ये मेरा फ़ोटो यहाँ पर अब सक्सेसफुली अपलोड हो गया है और मैं सबमिटेड हो चुका है। अब मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा और दोस्तों मैं आपको लेके चल यहाँ पे लिखिए कंग्रेचुलेशन लिखे आ गया है कि योर वेरिफिकेशन आर सक्सेस पर सक्सेसफुल, मेरा वेरिफिकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया है। इसको कंफर्मेशन करने के लिए मैं दोस्तों आपको साइट पे लेके चलता हूँ और साइट पे दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर हमारा वेरिफिकेशन क्लियर हुआ है। तो मैं यहाँ पे फिर से आपको अपनी आईडी लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको फिर से लेके आ गया हूँ अपने पेज पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा योर पर्सनल वेरिफिकेशन वॉज अप्रूव्ड यहाँ पर लिखकर आ रहा है। दोस्तों इसका कंफर्मेशन मैसेज आपको अपनी ईमेल आईडी पे मिल सकता है, आपको वहाँ भी आप चाहे तो उतना चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा। और अगर नहीं भी मिला है और आपका यहाँ पर शो हो रहा है कि अप्रूव हो चुका है तो कोई भी आपको डरने की बात नहीं है, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, ओके हो गया है। अब यहाँ पर आप अपनी टीम ऐड कर सकते हैं, दूसरों को ज्वाइन करा सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग की है, अच्छी अर्निंग करने के लिए आप एक प्लेटफॉर्म में एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो प्लान था, आज हम जा लाइफ स्टाइल में किस तरीके से अपना पर्सनल KYC वेरिफिकेशन करवाते हैं वाउचर्स के जरिए। आगे वीडियो में मैं आपको और जानकारी देता रहूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।